हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिचिंगा की सब्जी। यहाँ मैंने आधा किलो चिचिंगा लिया है, उसे दो भागों में कट कर लिया है, जिसके बाद इसे हमें छिलका निकाल लेना है। 4 से 5 चम्मच रिफाइंड का तेल, नमक हल्दी स्वाद अनुसार, 1 तेज़पत्ता और 1 छोटी चम्मच मेथी, 10 से 12 सूखे लाल मिर्च और पोस्तो 2 चम्मच। इसका मैंने एक पेस्ट बनाकर तैयार किया है। यहाँ मैंने सब्जी को काटकर साफ कर लिया है, इसे हम इस मोटाई में काटेंगे। एक कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच रिफाइंड का तेल लेंगे। आप चाहे तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तेल गर्म होने पर हम इसमें 1 तेज़पत्ता डालेंगे। इसके बाद 1 छोटी चम्मच मेथी डालेंगे। मेथी जब थोड़ा लाल हो जाए तो कटी हुई सब्जी डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला देना है। मीडियम गैस पे हमें 10 मिनट तक इसे फ्राई करना है। ढक्कन लगा देना है जिससे सब्जी थोड़ा नरम हो जाए। सब्जी जब नरम होती है तो पानी अलग हो जाता है। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है इसे हमें सुखाना है। देखिए पानी सूख चुका है। अब हम इसमें नमक और हल्दी डालेंगे, पिसा हुआ मसाला डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मीडियम गैस पे 5 मिनट तक इसे फ्राई करना है अच्छी तरह से। इसके बाद हम गैस को स्लो कर देंगे, ढक्कन लगा के पकाएंगे। बीच बीच में हमें सब्जी को चलाते रहना है, चेक करते रहना है कि मसाला कढ़ाई में ना पकड़ लें। चूँकि तेल ज़्यादा है तो कढ़ाई में नहीं पकड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ मसालों को पकाना है। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। देखिए मसाला अच्छी तरह से पक चुका है सब्जी में और ये सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं तेल अलग हो चुका है पूरी तरह से। अब हम एक बर्तन लेंगे, उस पर एक छन्नी रखेंगे और सारी सब्जियां उस पर रख देंगे, जिससे सब्जी का जो एक्स्ट्रा तेल है वो नीचे बर्तन में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सब्जी में जो एक्स्ट्रा तेल है वो अलग हो चुका है। सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे दोपहर के लंच में ज़रूर रखिएगा, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। अगर आपको ये सब्जी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मेरे चैनल को